सबसे पहले आप सबको मेरा प्यारा भरा नमस्ते। मेरा नाम है निधि नेगी और आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई व्लॉग में, नई दिन के साथ नई लाइडी लाइड सुबह के साथ। अभी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, चाय वगैरह पी ली है और यहाँ पे ना रास्ता है, आते जाते सारे लोग दिखते हैं। यहाँ पे मेन रास्ता है तो यहाँ पे लोग आते जाते सारे दिखते रहते हैं। बस वो अपने लिए चाय और बिस्किट। अब बनाऊंगी मैं खाना और आज वैसे रात की दाल बच रखी है, रोटी बच रखी है, पर ऑफिस दाल नहीं ले जाऊंगी क्योंकि लीक हो जाता है दाल, पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और पर्स भी गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा केले बचे हैं ना इनकी सूखी सब्जी बना लूंगी, केले की सब्जी। तीन और चार केले थे, मैंने चार केले पूरे काट दिए। अब इसकी मैं सूखी सूखी सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है तो गैस तेज कर देते हैं। खाना तो बन गया मेरा, मतलब मैंने आज सिर्फ केले की सब्जी बनाई कच्चे केले की और दाल बच रखी थी रात की, रोटी भी रात की थी तो बर्बादी क्या ही करनी थी। वो ये रोटी मैंने गरम करके ऑफिस के लिए रख दी और वही अभी खाऊंगी। अभी तो मन नहीं कर रहा है पर ऑफिस के लिए रख दी है, तो अभी मैं 2 कटोरी दाल पीऊँगी सिर्फ और तब जाऊँगी ऑफिस क्योंकि टाइम भी होने वाला है। और दीदी ना सुबह चले गए आज, मतलब दीदी ने श्रीनगर जाना था तो दीदी सुबह चली गई, नहीं तो गाड़ी भी नहीं मिलती है और उन्होंने काम भी है वहाँ जल्दी चली गई, तब मैंने चाय भी नहीं बनाई थी तो चली गई। इन्होंने अपने लिए एक पार्सल मंगाया था कुछ दिन पहले तो वो कल रिसीव हो गया मुझे ऑफिस में, मैंने क्योंकि ऑफिस का एड्रेस डाला है ना तो कोई भी पार्सल आता है तो ऑफिस में ही आता है तो मैंने वहाँ पे रिसीव कर लिया और एक पार्सल आ जाएगा शायद, मैसेज आ गया था तो ये वाला पार्सल कल आ गया और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी तो देख लेती हूँ, नहीं क्या पता ख़राब होगा रिटर्न करने का होगा, कपड़ा कैसा है फिर एक बार चेक कर लेती हूँ कैसा। कपड़ा तो ठीक ही लग रहा है इसका, वैसे स्मूथ स्मूथ सा कपड़ा है, सॉफ्ट सा तो ठीक ही लग रहा है मुझे, रख लेते हैं। पहले मैं एक बार इनको फ़ोटो भेज देती हूँ क्योंकि ये यहाँ है नहीं, तो इनको फ़ोटो भेज देती हूँ कैसा है, अगर इनको पसंद आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो रिटर्न में डाल दूँगी। अभी शाम के 5:15 हो गए और मैं ना मार्केट से अपने जितना सामान था जरूरत का सारा सामान लेके आ गए क्योंकि दोबारा ना आना पड़े, इतनी चढ़ाई कौन चढ़ रहा, थोड़ी सी चढ़ाई इस वाले रास्ते से नहीं है चढ़ाई, लॉ कॉलेज वाले रास्ते उधर से चढ़ाई है, मैं सारा सामान लेके आ गई।
अभी ऑफिस से आके ना मुझे भूख सी महसूस हो रही थी, मैंने कहा मतलब जल्दी जल्दी वाली भूख, ऐसे शाम को खाना तो बनाना है ही, आजकल रात भी जल्दी पड़ जा रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैगी बना लेती हूँ। वैसे मैं मैगी नहीं खा रही हूँ आजकल, मतलब आजकल के मैं बहुत टाइम से मैगी खाना बहुत बंद कर दिया है, कभी 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 होगा, पर आज लाई हुई हूँ तो ये आटा नूडल्स है, मतलब मैदा वाला नहीं है, आटा नूडल्स है, तो ये बना रही मैं अभी अपने लिए, थोड़ा सा सिर्फ पानी वाला, ऐसे नहीं प्याज टमाटर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पानी डाला मैगी डाली बस। तो आज थोड़ा सा मैगी बना रही हूँ, वैसे मैं मैगी खाना बंद कर दिया, मैदा वाली चीज़ें मैं खाती हूँ कभी कभी, ऐसे नहीं कि परमानेंट बंद किया, पर कभी कभी बंद किया है। यहाँ पे मेरी पानी वाली मैगी आटा नूडल्स, ओ माय गॉड, इसने तो मेरे लेंस पे पूरा भाप लगा दिया। अभी मैंने मैगी खाई ना तो मेरा पेट सा भर गया, मेरा खाना बनाने का मन सा निकल गया, मन कर रहा कि नहीं बनाना था, सो जाना था, नींद से आ रही है, पर क्या करें, थोड़ा सा बनाना तो है, मैगी से भी क्या ही होगा, क्योंकि दिन में मैंने कभी एक रोटी ले जाती हूँ, कभी दो रोटी ले जाती हूँ लंच के लिए, तो आज दो रोटी ले जा रही, दो खा रही थी, सुबह में नहीं खाया था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, तो दो रोटी ली गई थी आज, थोड़ा सा बना देती हूँ, कुछ भात बनाऊंगी मैं, कढ़ाई बनाऊंगी मैं अपने लिए, दाल तो थोड़ी सी है, इतनी इतनी सी दाल, और भात बनाऊंगी थोड़ी। फिल्टर में ना पानी भरना भी बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो इसमें देखो कितनी मिट्टी वो हो गई, जम गई, यहाँ के पानी में इतनी मिट्टी आती है ना, अभी तो ये कितना भर रखा है, बस इतना। और घर से लौकी लाए थे, ये लौकी यहीं पे पड़ी है उस दिन से, ये वाली लौकी ना मौसी लोग के लिए लाए थे, और मौसी लोग भी आए नहीं, यहाँ यहीं पे है वैसे उनका घर, पर मैं शाम को भी देर से आती हूँ तो मेरे को भी आज टाइम नहीं मिला, अब कल भी नहीं मिला, तो देने नहीं गई, और वो भी नहीं आई तो भूली गई, और यहाँ पे कर लेंगी उससे कोई बात नहीं, क्योंकि अगली बार लेके आऊँगी, घर में खूब सारी लौकी हो रही है अब, तो अगली बार लेके आऊँगी उनके लिए, पर अभी है, कल तक आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो परसों नरसों तो मैं घर जाऊँगी, तो फिर दोबारा ले आऊँगी लौकी, तो ये कल से यहीं पर है, परसों से यहीं पर है, सॉरी। और यहाँ पर ना मैंने अपने लिए थोड़ा सा भात रख दिया, एक छोटी कटोरी से, छोटी कटोरी है मेरी, उससे थोड़ा सा रखा, पूरा कटोरा भी नहीं रखा चावल, इतना भात रखा है, क्योंकि मेरे से खाया नहीं जाता इतना, फिर बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बनाई है, दाल बच रखी है पुरानी वाली, उसी को खाऊंगी। खाना वगैरह सब कुछ बन गया मेरा, और तुरंत से खा लेती हूँ और सो जाती हूँ, क्योंकि नींद आ रही खतरनाक वाली, तो मैंने यहाँ पे ना भात, उसी में दाल थी इसलिए वो प्रेशर वेसर रखा यहाँ पे दाल, तो खाना खा लेती हूँ। अभी ना खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, और खाना तो मैंने इतना सा बनाया था, मतलब इतनी कटोरी चावल बनाई थी, उसमें से पूरा वैसे ही बचा है, अकेले में ना मन नहीं करता है पता नहीं क्यों, और जब सब होते हैं तो खूब ज़्यादा खाया जाता है, पूरा ही नहीं होता है, तो यहाँ तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं अकेले होती हूँ तो मेरा खाने का मन ही नहीं करता है, पर कभी कभी खाया जाता है, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, और आजकल तो मन ही नहीं कर रहा कभी खाना खाने, सुबह मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब थोड़ी सी सब्जी खाई थी और चाय बिस्किट खाई थी, फिर दिन को दो रोटी खाई थी, अभी थोड़ा सा चावल खाई इतने से, पर मन ही नहीं कर रहा पता नहीं क्या हो गया, और इतना सा चावल बच रखा है, इतना सा खाया मैंने, दाल तो पूरी कर दी खत्म, तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए बाय।